हम बनाएंगे मावा बर्फी यानी मिल्क की बर्फी, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस बनती है। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें मात्र मिल्क और चीनी चाहिए। बर्फी की और टेक्सचर भी देख सकते हो, कितनी परफेक्ट हमारी बर्फी बनी हुई है। बिल्कुल परफेक्ट बर्फी बनाने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इसे लाइक और शेयर भी कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा किचन मैजिक। मैं हूं पूजा, नमस्ते। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। सबसे पहले एक बड़ी सी कढ़ाई को हम गैस पे रख देंगे। यहाँ पे हम लोहे की कढ़ाई को लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और 2 लीटर इसमें मिल्क ऐड करेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप इसके लिए लोहे की कढ़ाई को ही यूज कीजिए। आपके पास जो भी पॉट अवेलेबल है आप उसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें होल मिल्क लेना है, जैसा रेगुलर वाला मिल्क होता है ना, वही हमें लेना है। यहाँ पे एक बार हम इसे स्टेयर कर देंगे। थोड़ा सा मिल्क गर्म होने के बाद हम इसमें 1 कप और 2 बड़े चम्मच शुगर ऐड करेंगे यानी चीनी। ऐसे हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे बॉईल होने देंगे। बीच बीच में इसे हम चलाते रहेंगे। हमें दूध को तब तक कुक करना है जब तक कि दूध है बिल्कुल रिड्यूस ना हो जाए, बिल्कुल थिक ना हो जाए। जब तक दूध हमारा रिड्यूस हो रहा है तब तक हम एक ट्रे को तैयार कर लेंगे जिसमें हम बर्फी को सेट करेंगे। ऐसे एक ट्रे लेंगे, इस पर हम ऑयल से या बटर से इसे ग्रीस कर देंगे और इसके अंदर एक बटर पेपर रख देंगे ताकि हमारी जो बर्फी है ना बहुत ईजली तरीके से निकल जाए। इसके ऊपर भी हमें थोड़ा सा घी अप्लाई कर लेना है। इधर देखिए दूध हमारा बिल्कुल बॉयल हो रहा है। धीरे धीरे हमारा दूध जो है रिड्यूस हो रहा है। आप इसका कलर भी देख सकते हैं, इसका कलर भी चेंज हो रहा है। दूध हमारा रिड्यूस ऑलमोस्ट हो चुका है। ऐसे हम कंट्रोल से चलाते रहेंगे, नहीं तो ये बॉटम पे स्टिक हो जाता है। मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें इसे कुक करना है। ये देखिए दूध के ऊपर बबल्स स्टार्ट हो गए हैं, इसके जो छींटे हैं ना वो दूर दूर तक जाते हैं। इससे बचने के लिए आप किसी भी बर्तन का ऊपर का जो लिड होता है उसे कवर करके इसे कुक कीजिए। हम इसे 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे और कंटिन्यूसली हम चलाते रहेंगे ताकि ये बॉटम पे स्टिक ना हो। अब इसे 2 बड़े चम्मच घी ऐड करेंगे। घी ऐड करने से हमारी जो मावा की बर्फी है ना बिल्कुल मॉइश रहती है, बिल्कुल सॉफ्ट बनी रहती है। इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मावा का जो मिक्सर है वो हमारा बनके तैयार हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। आप इसका टेक्सचर भी देख सकते हैं, इतनी लेवल तक ही हम इसे कुक करना है। बहुत ज़्यादा इसे हमें ड्राई भी नहीं करना है। अब हम इसे ट्रे में ट्रांसफर कर देंगे। ऐसे हम लेबल आउट कर लेंगे। आप चाहे तो इसके ऊपर नट्स वगैरह भी डाल सकते हैं, पर जो बर्फी होती है बिल्कुल प्लेन ही अच्छी लगती है, इसलिए मैंने यहाँ पे नट्स वगैरह नहीं डाला है। अगर आपको पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं। इसे हम साइड में 2 घंटे के लिए रखेंगे ताकि बर्फी जो हमारी सेट हो जाए। आप चाहे तो इसे रेफ्रिजरेटर में 1 आवर के लिए रख सकते हैं। आफ्टर 1 आवर के बाद हमारी जो बर्फी है बिल्कुल सेट हो चुकी है। अब हम इसे डीमोल्ड करेंगे। सबसे पहले हम पार्चमेंट पेपर निकाल देंगे। अब हम इसे पीसेस में कट कर लेंगे। आपको जो भी शेप पसंद है आप इसे कट कर सकते हैं। मैं इसे थोड़े बड़े साइज में ही कट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं हमारी मावा की बर्फी रेडी हो चुकी है, बिल्कुल परफेक्ट और बहुत ही टेस्टी बनी हुई है। फ्रेश मावा बर्फी का जो टेस्ट होता है ना बहुत ही लाजवाब होता है, देन जो हम मार्केट से मावा बर्फी बाय करके लाते हैं। आप इसे रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके 2 से 3 वीक तक रख सकते हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।